नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आराधना कुनियाल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट इन माय फर्स्ट वीडियो। तो मैं आशा करती हूँ मैं इतनी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देती रहूंगी और आप मुझे इतना ही प्यार देते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेरी वीडियो का वो है GDP एंड इंडियन मीडिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने अपनी पहली ही वीडियो में साफ जाहिर कर दिया था कि हमारी इंडियन मीडिया और आई से गोदी मीडिया आर डूइंग नथिंग, जस्ट डूइंग फॉर देयर ओन TRP। तो जिसने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइज, तो आज सेटअप कुछ न्यूज चैनल जैसा दिख रहा होगा, ऐसा होना ही है। किसी ना किसी को तो सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी ही है, क्योंकि हमारे न्यूज चैनल वाले क्या दिखा रहे हैं आइए देखते हैं। बड़ी खबर, माल है क्या? ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ बल्कि आपको बता रहा हूँ कि एक ड्रग्स मामले में नया चेक सामने आया है। बॉलीवुड ड्रग्स चेक में अब दीपिका पादुकोण का नाम आया। माल है क्या? आर यू सीरियस? हमारी कंट्री की मीडिया का लेवल दिन ब दिन घटते ही जा रहा है हमारी कंट्री की GDP की तरफ। जी हाँ दोस्तों, GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस बार हमारी देश की GDP ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारी कंट्री की GDP -23.9% पर पहुंच गई है और ये डाटा हमारी कंट्री का सारे वर्ल्ड के डाटा से बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दिखाता है। जैसे ही ये GDP वाली खबर पब्लिक हुई तो सारे सोशल मीडिया में गवर्नमेंट सपोर्टर के ट्वीट्स आने लग गए। उनका मानना है कि रशिया, कनाडा, जापान, USA जैसे डेवलप्ड कंट्री का -30% GDP परसेंटेज है, तो उस हिसाब से हमारी कंट्री का रेशियो तो सही ही है। बट मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि वो सारे कंपैरिजन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ना होकर क्वार्टर ऑन एनुअली बेसिस पे किया गया था। तो अगर हम इन्हें सेम स्केल पे लाएं तो जैसा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट ने भी किया कि उन्होंने अपने ग्राफिक्स में दिखाया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे USA का परफॉर्मेंस -9% था और उसी के कंपैरिजन में इंडिया का परफॉर्मेंस -25% था, जो कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दिखाता है। तो दोस्तों, ये सभी फैक्ट जो हमारी इंडियन मीडिया को दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे। वो सारे तौर तरीके अपना रहे हैं कि कैसे करके लोगों को इन इम्पोर्टेंट टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट किया जाए। और वो अपने न्यूज चैनल पे क्या दिखा रहे हैं, लेट्स सी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी तुम थी कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि बेनती। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस में चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस में चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूँ, देखिए ये राहुल ही राशि है। अरे आई थॉट कम से कम आज तक पे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात हो रही थी। खैर वो अलग बात है कि बात कम लड़ाई ज्यादा हो रही थी। तो अब वो देखते हैं कि एक जर्नलिस्ट का क्या फर्ज होता है। आइए जानते हैं एक रिपोर्टर की जुबानी। One fact is, these were part of the investigations and I was reporting these facts because it's my dharma as a journalist to put out the facts in public. अरे मैडम, ये समझ तो आ गया कि एक रिपोर्टर का फर्ज क्या होता है, कि वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सही न्यूज व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं, राइट? पर आप ये भी तो देखिए कि आप न्यूज क्या दे रहे हैं। इज इट रियली मैटर्स राइट नाउ? खैर इन सबको छोड़िए, अब देखते हैं हमारे देश के नंबर वन न्यूज चैनल पे क्या चल रहा है। पंडित गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर आभार जताना चाहता हूँ। कोटि कोटि आभार मेरा, क्योंकि पिछले 2 महीनों से खबरों की दुनिया में रिपब्लिक भारत लगातार सर्वोच्च बना हुआ है। जिन लोगों बधाई हो मिस्टर रैना, आपका न्यूज चैनल नंबर 1 पे आ गया। बट वेट अ मिनट, ये हेडलाइंस क्या है? सुशांत का गुनहगार गंजेड़ी गैंग और ड्रग्स लीला का खलनायक कौन? I'm sorry to say, but अब मुझे डाउट हो रहा है कि आपका न्यूज चैनल नंबर 1 पे कैसे है।
So that's it for today's video, guys. I know this information of GDP is not enough. So if you want me to make part 2 on the consequences and solution of GDP crash, so please comment down. क्योंकि मुझे भी तो लगना चाहिए कि लोग सच में इंटरेस्टेड हैं इकोनॉमिक इश्यूज को जानने के लिए. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. थैंक यू एंड जय हिंद.